भारत की शान। कार्यभार संभालते ही सबसे पहले देश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तोहफा। 18 जून को काशी से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त। पद संभालते ही फुल एक्शन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अधिकारियों के साथ बैठक कर 100 दिनों का रोड मैप किया तैयार। और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खोला किसानों के लिए खुशियों का पिटारा। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने का रखा प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। मॉनसून सीजन में किसानों के अकाउंट में पैसा आने से उन्हें काफी सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को बनारस से पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाती है। किसान इसका इस्तेमाल अपनी खेती की जरूरतों जैसे खाद, बीज, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए करते हैं और कृषि क्षेत्र में लागत कम करके ज्यादा लाभ कमाते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कृषि मंत्रालय मिलते ही शिवराज सिंह चौहान फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने 100 दिनों की कृषि कार्य योजना का प्लान तैयार किया। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि वे अपना पूरा फोकस किसानों से जुड़े काम पर दें ताकि देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना के मुताबिक तेजी से काम किया जा सके। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में सीएम मोहन चरण और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री ने किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,100 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए समृद्ध कृषक नीति योजना बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने विभागों को आदेश दिया है कि इसके लिए रोड मैप तैयार करें। इस कार्य को 100 दिन के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों के लिए मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पोषक तत्व होते हैं। डीएपी की तुलना में एनपीके सस्ता और अच्छा उर्वरक होता है। इसमें पोटाश की मात्रा का भी समावेश होता है। किसानों को फसलों में अंधाधुंध खाद डालने से बचने और समन्वित प्रबंधन में गोबर का खाद, केचुए का खाद और हरे खाद के साथ अनुशंसित मात्रा में एनपीके का उपयोग करने की सलाह दी गई है। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। मई 2024 के लिए सांख्यिकी मंत्रालय ने खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मई में खुदरा महंगाई दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। खाद्य महंगाई दर और ग्रामीण महंगाई दर में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मई में भारत की खुदरा महंगाई दर
4.75% पर आ गई है, जो 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। इससे पहले अप्रैल में महंगाई दर 4.83% दर्ज की गई थी, जो 11 माह के निचले स्तर पर थी, जबकि उससे पहले मार्च में खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा 4.85% था। मई में खाद्य महंगाई दर अप्रैल के 8.75% से घटकर 8.62% हो गई है। हालांकि मई 2023 में दर्ज खाद्य महंगाई दर 3.3% से काफी ज्यादा रही है। देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही शानदार योजना के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसे कोई भी किसान अपनाकर लाभ उठा सकता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भविष्य नए भारत का। वो वक्त जो था वो 92-93 का वक्त था, तो उसी वक्त पे मतलब एक दिमाग आया कि यार लेट्स गेट इनटू फैशन एंड बिल्ड अवर ओन ब्रांड। एक आउटफिट है, मैंने 1 करोड़ में एक शिवानी बेची थी और ये न्यूयॉर्क के फ्रंट पेज पे छपा था ये न्यूज। एक इंडियन डिजाइनर ने एक 1 करोड़ की शिवानी ये टाइम पे बनाई है और उसकी डिलीवरी की है। कलर्स को लेके बहुत ज्यादा कि आप गोरे हो, आप सांवले हो, आप ये हो, लेकिन मेरे लिए मेरे माइंड में था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा डेस्टिनेशन पता है और मैं लोगों के लिए चेंज नहीं होंगी, दुनिया को मेरे लिए चेंज होना पड़ेगा। वाह क्या बात है, सुपर्ब। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का mandi.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। अगर आप एक किसान हैं और खेती किसानी के साथ साथ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आप किसान भाई बहनों के लिए बेहतरीन एग्रीकल्चर से जुड़ी एक बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, जिसे अपनाकर आप भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इससे कैसे कोई किसान जुड़कर लाभ उठा सकता है। देश के कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। सरकार भी लगातार किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। भाई और बहनों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 4 अलग-अलग स्तरों पर फोकस किया। पहला, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो। दूसरा, ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले। तीसरा, खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों, फलों, सब्जियों की जो बर्बादी होती है उसे कैसे रोका जाए। और चौथा, ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हम व्यवस्था कर सके। किसानों की तरक्की के लिए भारत सरकार खेती किसानी के साथ साथ कृषि सेक्टर के छोटे छोटे उद्योगों को जोड़कर बढ़ावा देने में लगी है, ताकि देश के किसान खेती के साथ दूसरे स्रोतों से अपनी आजीविका आसानी से चला सके और कमाई कर सके। मछली पालन जैसे छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह की स्कीम चला रही है। देश में किसानों के लिए आय का स्रोत देखते हुए सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद भी देती है। एग्री सेक्टर में रोजगार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उनमें से एक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो मत्स्य पालन विभाग के लिए है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू हुई थी, जिसका भारत सरकार का जो फंड है वो 20,050 करोड़ रखा गया है। इस योजना के मूलतः दो घटक हैं।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं उनके माध्यम से लागू होती है। यह योजना 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई थी और इस योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि इस योजना का लाभ भागीरथ का कोई भी नागरिक उठा सकता है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स उनके लिए बहुत ही लाभान्वित योजना है। हमारे देश में जो SC ST और महिलाओं के लिए इस योजना में 60% वित्तीय अनुदान दिया जाता है और जो जनरल लाभार्थी हैं उन्हें 40% अनुदान दिया जाता है। देश में मछली पालन में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। कृषि के इस आयाम को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। अलग अलग योजनाओं के तहत मछली पालकों के प्रशिक्षण से लेकर तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता दी जाती है। मछली पालन से होने वाली कमाई को देखते हुए सरकार किसानों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार का लक्ष्य इस योजना को 2020-21 से 2024-25 तक पूरे देश में लागू करना है। हमारे देश में जो फिशरीज रिसोर्सेज हैं, चाहे हम इनलैंड फिशरीज की बात करें, मरीन फिशरीज की बात करें, बहुत ही रिसोर्स हैं हमारे देश में और उन रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करना और फिशरी सेक्टर को एक तरह से कहें तो टर्न अराउंड करना एक उद्देश्य रहा है इस मत्स्य संपदा योजना का, जिससे कि हमारे जो फिशरी सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। और आपको जानकारी होगी शायद कि लगभग 3 करोड़ जो हमारे लोग हैं जो फिशरीज या उसके वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं, उनका डायरेक्ट लाइवलीहुड से निर्भर करता है। उनके जीवन में मूलभूत सुधार लाना और फिशरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वर्ल्ड क्लास लेवल पर पहुंचाना, क्योंकि फिशरीज एक ऐसा सोर्स है जिसका कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो योजना लागू की गई 2020-21 में जो 5 वर्षों के लिए है, इसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर दिखेगा। दुनिया भर में फिश फार्मिंग एक बिजनेस मॉडल के तौर पर काम करता है। इस मॉडल के दूसरे पहलू की बात करें तो मछलियां पौष्टिक भोजन की सूची में शीर्ष पर होती हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन और दूसरे मिनरल काफी मात्रा में होते हैं। पौष्टिक भोजन के साथ साथ मछली पालन एक प्रचलित किस्म का पशुपालन है जो खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। दुनिया के लगभग हर देश में मछली खाने वालों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। भारत में भी इसकी लोकप्रियता शिखर पर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 के अंत तक देश में मछली की खपत 4 गुना बढ़ जाएगी। बढ़ती मांग को देखते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि अति आवश्यक हो गया है। हमारा देश में मत्स्य पालन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जैसा माना जाता है। 3 करोड़ लोग उसके ऊपर उनका जीविका निर्वाह करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार उसका एक सोच लिए कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हर क्षेत्र में इसमें ध्यान दिया गया। जैसे कैसे कोल्ड वाटर फिशरीज डेवलपमेंट किया जाएगा, सेलाइन वाटर एक्वाकल्चर कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, मधुर जल में कैसे मछली पालन किया जाएगा, झींगा पालन किया जाएगा, और मेराइन फिशरमैन जो जा रहे हैं समुद्र को मछली पकड़ने के लिए उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री में हर कुछ हमने इंक्लूड किया गया है। इसमें आप देखेंगे इसमें 100 से ज़्यादा घटक है, और जिसमें आप साइकिल विथ आइसबर्ग से लेकर वो जो मछली का जो चारा बनाने के लिए उसका प्लांट भी एस्टेब्लिश करने के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हमारा ये मछली पालन, मछली जो क्षेत्र, ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में नीली क्रांति लाना है। इस योजना के तहत भूमि और जल के विस्तार, सघनीकरण, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से
मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी विकास है, जिसका मकसद मछली किसानों की आमदनी को बढ़ाना और राष्ट्र के भोजन और पोषण सुरक्षा में योगदान देना है। गांव में रहने वाले किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन निर्यात को दोगुना करके 1,00,000 करोड़ तक लाना है। इसके लिए 70,00,000 टन अतिरिक्त मछली उत्पादन करना है और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 55,00,000 रोजगार पैदा करना है। मत्स्य संपद योजना इम्प्लीमेंट किया गया था 2021 में। 2021 में हमारा जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और फार्मर का जो तकनीक ये सब जितना था उसका कैसे हमने वो बढ़ाएंगे, जैसा प्रोडक्टिविटी में बोलता हूँ मतलब पर हेक्टर में कितना मछली पालन उत्पादन हो रहा है, वो मछली उत्पादन बहुत कम था, 3 टन पर हेक्टर से भी कम था। उसको हम 5 टन पर हेक्टर हमारा उद्देश्य था, उसको कैसे हम आगे लेके जाएंगे, तो उसके लिए जो जो घटक जरूरत है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना में रखा गया है। और एक है कि जो हम बोल रहे हैं कि मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं फिशरमैन, उनका हमने 2 साल में 2 महीना उनका बैन पीरियड करते हैं, उनके वो बैन पीरियड में उनको भी आर्थिक सहायता दिया जाता है उनका लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए, वो एक अच्छा विशेषता है। और तकनीक, जो टेक्निक कैसे फार्मर के पास जो हमारा कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर में जो फिशरीज गवेषणा केंद्र है उनका जो टेक्निक डेवलप किया गया उसको कैसे हम फार्मर तक पहुंचाएंगे, उसमें भी ये प्रावधान रखा गया कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग मत्स्य किसान को दे के उनको तकनीक रूप से हम स्ट्रेंथन करेंगे। नीली क्रांति के नाम से मशहूर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। सरकार ने देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की योजनाओं में सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। इसके तहत किसानों को मछली पालन के लिए कर्ज और निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। मछली पालन में कमाई की कई संभावनाएं हैं। ऐसे में इस योजना की मदद से देश में किसान मछली पालन का व्यवसाय शुरू करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना ये मत्स्य पालन क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन लाएगा, और उसमें जैसे आप पूछ रहे हैं छोटा किसान से लेकर बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर तक हम हर किस्म का प्रावधान रखा गया है। जैसे मैंने बोला कि साइकिल विथ आइसबॉक्स, अगर कोई मछली को बेच रहे हैं उनके पास कुछ और जो छोटा व्यापार कर रहा है तो वो कैसे उनका पास वाला गांव को लेके मछली बेच सकता है, और मछली एक पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जैसा आप सब्जी और दूसरा चीज़ 1 दिन 2 दिन रुकेगा, लेकिन ये विदिन 1-2 आवर ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए साइकिल विथ आइसबॉक्स, मोटरसाइकिल विथ आइसबॉक्स और ऑटो रिक्शा विथ आइसबॉक्स, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, इंसुलेटेड व्हीकल आदि बहुत ज़्यादा घटक रखा गया है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। और होलसेल मार्केट, जैसा किसी जगह पे बहुत बड़ा सिटी है, दिल्ली जैसा सिटी, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसा सिटी, उसमें कैसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्केट भी कर सकते हैं, उसका भी प्रावधान रखा गया। कोई अगर चाहेगा कि उनका गांव का जो छक है और या किसी मार्केट में वो कुछ दुकान बनाना चाहेगा, उसके लिए भी हम फिश कियोस्क भी वो एस्टेब्लिश कर सकता है, उसके लिए भी प्रावधान रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बनकर सामने आया है। यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण भारत के किसान इस व्यवसाय की तरफ रुख कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं और लाभार्थी को योजना के तहत कितना अनुदान मिलता है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ने खुद भी विवाह संस्कार से स्वराज के सपने को सींचा था, और मैं भी वही करूंगी। बहुत जल्द झांसी हमारी होगी। मैं प्राण दे दूंगी पर मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलाई जाने वाली योजनाओं में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। पीएमएमएस योजना के तहत किसानों को अनुदान के साथ साथ निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आप किसान भाई बहन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर कैसे फायदा उठा सकते हैं, देखिए आगे की इस रिपोर्ट में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। यहाँ पहले से ही काफी संख्या में लोग मछली पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार मछली पालन को प्रोत्साहित कर रही है। आप भी मछली पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और महिलाओं को मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60% अनुदान दिया जाता है। अन्य सभी को 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। देखिए, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा राज्य सरकार के माध्यम से निर्देशित किया जा रहा है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने राज्य के मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मछली पालन के लिए कर्ज लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करना होगा। कि ये हम थ्रू स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो इच्छुक होगा कि मैं मत्स्य क्षेत्र में जुड़ूंगा और मत्स्य क्षेत्र मेरा अपनाऊंगा कि मैं ये मेरा लाइवलीहुड के लिए काम में आएगा, तो वो पास में जिस ब्लॉक में वो बिलोंग करते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर या ब्लॉक लेवल फिशरीज ऑफिसर को संपर्क कर सकते हैं और वो गाइडलाइन हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज वेबसाइट में उपलब्ध है और वो ऑफिसर भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद जो हमारा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, उनके पास भी उनका वेबसाइट में भी ये गाइडलाइन उपलब्ध है। उसमें वो जाके वो आराम से कोई भी अप्लाई कर सकता है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ उधर उपलब्ध है। मछली पालन को लेकर सरकार की योजना का उद्देश्य देश में मछली पालन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत मछली की उत्पादकता के साथ साथ गुणवत्ता को भी मजबूत करना है, जिससे देश में किसानों की आय बढ़े और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां मछलियों की मांग काफी है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के जीवन स्तर में जरूर सुधार आएगा। नई दिल्ली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। सामान्य दिखने वाली फुंसियां हो सकती है कैमल पॉक्स। बीमारी से पशु को किन तरीकों से दे राहत, सुरक्षा के लिए क्या करें बेहतर उपाय, जानने के लिए देखिए कैमल पॉक्स लक्षण और बचाव कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज आपको बारामूला लेकर आई हूं। बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। सबको
को मिलता है, हमें भी मिलता है। 15-15 किस्त आ गए हैं अभी तक। आमदनी बड़ी कि नहीं बड़ी पहले से? बहुत बढ़िया है। बहुत बड़ी? हाँ, मतलब पहले से अच्छी है। जी बहुत मदद मिलती है इससे, क्योंकि घर में कोई चीज़ नहीं होती है। कभी कभार बागों के लिए वो लानी पड़ती है, खाद वगैरह, यूरिया वगैरह, वो भी आती है, और घर के काम भी इसी से निपट लेते हैं। यहाँ की महिलाएं सबसे आगे? हाँ, सबसे आगे है। वो पढ़ाई भी करते हैं और घर का काम भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। जम्मू कश्मीर से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 17 जून सोमवार सुबह 9 बजे। अच्छी है? अच्छी है, अच्छी काम हो रहा है गांव में? हाँ, हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है हमारे गांव। इस गांव में नौकरी करती है हमारी बेटियां? करती है, करती है। हाँ जी, किसान के पास आज इतना पैसा है अपनी मेहनत करके, पूछो मत, बहुत पैसा है, बस पकड़ने वाले चाहिए। हिमाचल प्रदेश से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 18 जून मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर, और आज चर्चा करेंगे धान की खेती को लेकर। बीज को ट्राइकोडर्मा से और जीवा बीज आंद्रस से उदित करते हैं। पूसा 11-21 इसका चावल सबसे अच्छा होता है। पहले धान को एक दिन पहले भिगो कर रख देते हैं, और अगले दिन शाम के समय उसको पानी में डाल के जमीन में बो देते हैं। पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1400, ये बासमती की प्रजातियां हैं। जो आपके अंकुरित बीज हैं उनको शाम के समय 2-3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए आपके उस जगह पे, उसमें अच्छे से छिड़काव। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं तो कहता हूँ इसे कहते हैं एक्चुअली ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। एक मणिपुरी जो मीठी मीठी टच थी वो भी अच्छा था, लस्सी में शक्कर ज्यादा था जब आपने, मजा आया। अरे लवली। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपराधियों से हाथ नहीं मिलाता। नया पट्टा, नया बूट और नया रंग रूट, जरा ज्यादा पॉलिश मांगता है। दिल कहता है दिल के अंदर एक दीवाना रहता है। क्या बात है, तू साथ है। सुल्तान अपनी जबान के वास्ते जान भी दे सकता है, और कानून के वास्ते अभिमन्यु हर हद पार कर सकता है। सुल्तान 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 एक नासूर बन गया है ये सुल्तान। तेरे उसूल, तेरी ईमानदारी की शक्ल में आज इन लाशों को देख ले। तुम्हें अपराध से लड़ना है तो वर्दी का गुलाम बनकर नहीं, सुल्तान बनकर लड़ना होगा। मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड टॉकीज में देखिए उनकी फिल्म सुल्तान 16 जून दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान।